पहले बूमजैक एट है, लिख लो फटाफट। बूमजैक एट है क्या काम करता है इसके बारे में प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा आपको लाइव में। तो बूमजैक एट है, यह एक वैल्यूम इंडिकेटर है, ब्रैकेट में लिख लीजिए फटाफट, 3 लाइन वाला इंडिकेटर, मार्केट का वैल्यूम बताने वाला इंडिकेटर। ओके, तो यहाँ पे उसके नीचे स्टार मार के पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट लाइन फर्स्ट कंफर्मेशन, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कंफर्मेशन लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइव बोले तो अभी मार्केट बंद है, फ्राइडे फ्राइडे को 3:15 में फर्स्ट लाइन फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड लाइन फाइनल कंफर्मेशन, थर्ड लाइन को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग लाइन, मार्केट में पड़े रहो सेल में। ओके, तो दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक ट्रेडिंग होती है स्कैल्पिंग एंट्राडे और एक ट्रेडिंग होती है पोजीशन ट्रेड। तो मैं आपको सबसे पहले पोजीशन ट्रेड के बारे में बताऊंगा, मेरे इस एक इंडिकेटर की ताकत बताने जा रहा हूं। तो पोजीशन ट्रेड आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाके लोगे उतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट लोग बुक कर रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर पोजीशन ट्रेड। और हमारे लोग 2 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम में पैनिक होके एक ट्रेड पॉजिटिव निकालते, दूसरा ट्रेड फंसा के बैठ जाते। तो मेरा इस एक इंडिकेटर की ताकत बता रहा हूँ। 4 आवर्स मिला, कितने पॉइंट हमने जनरेट किए, कब हमें बाइंग का इंडिकेशन मिला, कितने पॉइंट हमने मार्केट बता रहा हूँ, जो जो चीजें मार्केट में हुई थी। देखिए सर, ये अभी जो सर्कल चल रहा है ग्रीन का, ये सर्कल चल रहा है रेड का, ये सर्कल चल रहा है ग्रीन का, ये सर्कल चल रहा है रेड का। तो आपको यहाँ पे मैंने क्या बोला हूँ कि आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में इसको यूज करोगे, 4 आवर्स 1 डे 1 वीक 1 मंथ, उतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। जिन्होंने जिन जिन इंस्टीट्यूट ने एडमिशन लिए हैं, आपको खुद इस चीज को सेट करके चेक करना। तो रेड हुई कौन से डेट में, दिन है 20 सितंबर, मार्केट कहाँ थी, थोड़ा सा जूम करता हूं। तो रेड हुई मार्केट, इस सेकंड कैंडल से हम पकड़ते हैं, मार्केट थी 1932। ओके, 1932 में मार्केट थी, लास्ट वाली जो रेड हुई 22 सितंबर को। ओके, मार्केट थी 1930 पे। यहां से लेके इन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग लाइन बोलती है कि पड़े रहो सेल में, तो यहाँ पे लोगों ने सेल का ट्रेड लगाया 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 लगाया, पड़े रहे। तो ये मेरे सॉफ्टवेयर की ताकत। मोस्टली ऑफ द ट्रेडर सेलिंग ट्रेंड में, मोस्टली ऑफ द ट्रेडर बाय ट्रेंड में अपना सेल का ट्रेड लगा के फंस जाते हैं। तो मेरे इस इंडिकेटर की खासियत बताने जा रहा हूं कि दो रेड हुआ, हमने यहाँ से सेल लिया 1930, लास्ट वाली लाइन बोली सेल में पड़े रहो, जैसे ही ऊपर की दो लाइन ग्रीन हुई हम निकल गए, पॉइंट हुआ 1814, 1900 से 1800 100 पॉइंट जनरेट हुआ। ओके, जिस बंदे ने 100 रुपए लगाए थे उसने लाख रुपए लिया, और जिस बंदे ने 1 लाख का ट्रेड लगाया उसने 1 शेयर लिया। तो कहने का मकसद यह है कि ये मोमेंट हमारे सामने होके जा चुकी है जिसका हमने फायदा नहीं उठाया। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे मार्केट क्रैश हुई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, बहुत सारे ट्रेडर बाय में बैठ गए, पर हमारी लास्ट वाली लाइन क्या बोल रही है, सेल में पड़े रहो। इसके बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बोले कि हम मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं, पर यहाँ पे लास्ट वाली लाइन क्या बोली, हम नीचे जा रहे हैं। तो मोस्टली ऑफ द ट्रेडर जो अदर प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, या बाइंग ट्रेड यहाँ पे सेलिंग ट्रेड के अंदर बाय में ट्रेड फंसा के अपने अकाउंट को फंसा के हैज में डाल के उड़ा देते हैं। और सेकंड थिंग, 6 तारीख को क्या हुआ, सभी को पता है 6 तारीख को क्या हुआ, बहुत बड़ा वैल्यूम जनरेट हुआ। कि जब भी किसी कंट्री में कुछ चीजें होती हैं तो सबसे सेफली एसेट होता है गोल्ड, तो गोल्ड के अंदर इंस्टेंट वैल्यूम आ चुका था। 6 अक्टूबर को हम 1827 से पकड़ेंगे, और मार्केट लास्ट वाली लाइन ग्रीन हुई 1800 से लेके, देखिए लास्ट वाली ग्रीन, एक प्रायोरिटी छोड़कर सेकंड प्रायोरिटी को हमने फॉलो किया, हम आगे बढ़ते हैं, मार्केट आई थी 2000। ओके, 2000, तो यहाँ पे 200 पॉइंट जनरेट हुए। उस बंदे ने 1 लाख रुपया लगा के ट्रेड लगाया, उस बंदे ने 2 शेयर लेके निकला। अपन 1 लाख का ट्रेड लगाने के लिए कम से कम 20 से 25 लाख का अकाउंट होना जरूरी है। ओके, तो हम यहाँ पे आएंगे, ये रेड हुई, देखिए
फर्स्ट ग्रेविटी छोड़ के सेकंड ग्रेविटी को हमने फॉलो किए, ये देखिए लास्ट वाली लग रही हुई, ये यहाँ से हमने सेल का ट्रेंड स्टार्ट हुआ 1989 से, और जैसे ही ये दो ग्रीन हुई और हम निकले 3650 पॉइंट, और जो यहाँ से ग्रीन हुई मार्केट, ये देखिए ये अभी अभी 14 नवंबर, तो 1948 से मार्केट अभी गई है 2076। ओके, तो कितने पॉइंट जनरेट करके अभी अभी दिए कि प्रोफेशनल ट्रेडर बन के आप पोजिशन ट्रेड का भी फायदा ले सकते हो, ये मेरे एक इंडिकेटर के माध्यम से।